हमेशा धार की भूषशाला का विवाद चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार बीजेपी की सावित्री ठाकुर ने कांग्रेस के राधेश्याम मोबेल को धार में हरा दिया है। ये वही दौर था कि जब धार में एएसआई का सर्वे करने के आदेश हुए, उसी सर्वे के साथ साथ चुनाव हुआ और वहाँ एक तरीके से वोटों का बंटवारा हो गया और बीजेपी की सावित्री ठाकुर को जीत हासिल हुई है। ये बहुत फंसी हुई सीट मानी जा रही थी। बिल्कुल फंसी हुई सीट थी और जांच भी चल रही थी, ऐसे में समझ नहीं आ रहा था कि वोटर किस करवट बैठेगा, लेकिन करवट तो उसने मोदी की तरफ ही ली और सावित्री ठाकुर को बीजेपी से जीत दर्ज करवा दी। राजा भोज की नदी मानी जाती है, धार धार से बीजेपी का परचम लहरा रहा है और सावित्री ठाकुर वहाँ से विजयी हो गए।